हेलो 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 स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू सिविल पांडा। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड आप सभी की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही होगी। कैसे मेरे सारे प्यारे विद्यार्थी? हाउ यू गाइज, होप यू ऑल गाइज आर डूइंग वेल। कैसे ही चल रही है आप सभी की पढ़ाई? अच्छी चल रही है और मुझे पता है बहुत अच्छी चल रही है, क्योंकि आप वापस से जो लेक्चर देखने आ चुके हैं, क्योंकि यदि आप वापस से लेक्चर देखने आ चुके हैं मतलब आपको इंटरेस्ट है एमपी के करंट अफेयर्स को पढ़ने में, और यदि करंट अफेयर्स को पढ़ने में आप पे इंटरेस्ट है तो फिर सीधी सी बात है कि आप पढ़ाई में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमें एक नंबर भी वो नहीं छोड़ना जहां से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलेगा। सो हमारी वॉर सीरीज का आज 14th लेक्चर है और आज के दिन हम लोग वापस से 10 क्वेश्चन एमपी करंट अफेयर्स के एज वेल एज 10 क्वेश्चन जो है हम हमारे एमपी जीके के डिस्कस करेंगे, जिससे आपको मिलने वाला है बहुत 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 सारा नॉलेज। और ऐसे एमपी जीके के क्वेश्चन डिस्कस, एमपी जीके नहीं, हम एमपी करंट अफेयर्स के ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हमारे साथ में यहाँ पर, जो कि बहुत रेयरली आपको पेपर या यूट्यूब वगैरह पर मिलेंगे, उन क्वेश्चंस को हम साथ में जो है डिस्कस करेंगे। चलेगा। सो हियर इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाउ मेनी प्लेयर्स फ्रॉम मध्य प्रदेश हैव बीन सिलेक्टेड इन एशियन गेम्स 2022 रिसेंटली? हाल ही में एशियन गेम्स 2022 में मध्य प्रदेश के कितने खिलाड़ियों को चयन किया गया? देखिए, कितने खिलाड़ियों को चयन किया गया वो तो मैं आपको बता दूंगी, वो बात सेकेंडरी है, बट आपने यहाँ पे एक पॉइंट नोट किया होगा, मैम एशियन गेम 2022 क्यों है? अभी तो हम आपको पता है कि हम लोग जो है 2023 में चल रहे हैं, तो फिर 22 क्यों चल रहा है? मैम टाइम ट्रेवल कर रहे हैं ऐसा कुछ है क्या? तो बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको पता है कि कोविड हुआ था, तो कोविड के कारण जो है एक साल ये पीछे चल रहा है, कोविड की वजह से, अदरवाइज प्रॉपर चल रहा था। ये कब से कब तक किया जाने वाला है? ये किया जाने वाला है आपका स्टार्ट कब से होगा भाई? 23 सितंबर से, है ना? 23rd ऑफ सितंबर से स्टार्ट हुआ है और 23 ऑफ सितंबर से स्टार्ट होके कब तक चलेगा भैया? 8 अक्टूबर तक चलेगा। कब तक चलेगा? 8 अक्टूबर तक जो है ये चलने वाला है। यदि मैं इसकी बात करूं तो इसमें हमारे एमपी से कितने प्लेयर्स है? 43 प्लेयर्स है समथिंग। कितने प्लेयर्स है भैया? 43 प्लेयर्स है। और यदि मैं बात करूं ओवरऑल इंडिया की, है ना, तो ओवरऑल इंडिया ने अभी तक इसमें जो है 32 मेडल्स ले लिए हैं। कितने मेडल्स ले लिए हैं? 32 मेडल्स अभी तक इंडिया इसमें ले चुका है, और उन 32 मेडल्स में जो है 8 गोल्ड है। कितने भैया हमारे पास? हमारे पास जो है 8 गोल्ड हो चुके हैं भैया, बहुत प्राउड की बात है हमारे लिए अभी तक, है ना। 8 गोल्ड हो चुके हैं, 12 सिल्वर हो चुके हैं, है ना, और बचे कितने? 8, 12, 12, 24, हाँ, और हाँ 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 12 जो है सिल्वर हो चुके हैं, और 12 भी कौन से हो चुके हैं आपके? ब्रॉन्ज हो चुके हैं, और 8 गोल्ड हो चुके हैं। चलेगा, इसके अलावा आगे बात करते हैं हम लोग। द 19th एशियन गेम्स 2022 विल स्टार्ट इन हैंगझू चाइना from 23 September, October, this time 43 players from Madhya Pradesh are ready to represent India in various sports in the Asian Games. It is noteworthy that the Asian Games were postponed due to COVID. कि भाई क्यों हुआ था? COVID-19 की वजह से क्या हो गया था भाई? postpone हो गया था, इस वजह से ये जो 2022 वाला चल रहा है, right? चलेगा, आगे चलते हैं। Which state government has announced to launch the Chief Minister Ladli Behna Awas Yojana? किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना शुरू करने की घोषणा की है? लाडली बहनाओं के लिए अभी जो है आप जानते हैं भाई, देखो सीधी सी बातें, वो तो बनी बनाई बात है कि मध्य प्रदेश कर रहा है। आप जानते हैं लाडली बहनाओं के लिए जो है मध्य प्रदेश सरकार अभी बहुत कुछ कर रही है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में अभी क्या चालू किया गया? 1000 रुपए दिए जाने, अब 1000 नहीं, अब तो 1250 रुपए दिए जाने लगेंगे, है ना, एक लाडली बहना को। पहले मैं आपको बता दूं, एक हमारे योजना चला करती थी जिसका नाम था मुख्यमंत्री, है ना, सीएम अंत्योदय, है ना, अंत्योदय आवास योजना, हमारे यहाँ एक स्कीम चला करती थी, आवास स्कीम, है ना। इस स्कीम का जो है नाम बदल दिया गया है, इस स्कीम का नाम बदल के उसे क्या कर दिया गया? मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना कर दिया गया है उसी स्कीम का। अब इसमें कौन से लोग जो है फायदा उठा पाएंगे इस वाली स्कीम का? इस स्कीम का वो लोग फायदा उठा पाएंगे जो कि इस वाली स्कीम में रह गए थे, है ना। और इसके लिए भाई एमपी का ही निवासी होना बहुत ज्यादा जरूरी, सारी वो जो भी है रूल्स रेगुलेशन वो तो अपनी जगह पर है, पर जो लोग इसमें छूट गए थे वो अब जो है इसमें अपना मकान बनवा सकते हैं, पैसा मिलेगा मकान बनवाने का इसमें आपको, ठीक है। घोषणा कब हुई है उसकी? घोषणा कब हुई है मैम इसकी? तो इसकी घोषणा हुई है 9 सितंबर 2023 को, अभी हाल फिलहाल में जो इसकी घोषणा हुई है, मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना शुरू करने की घोषणा की है 9 सितंबर 2023 को। आगे चलते हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। The Madhya Pradesh Cabinet meeting on 9 September 2023, it has been decided to start the Chief Minister Ladli Behna Awas Yojana in the state. Under this scheme, the eligible families left out the Pradhan Mantri Awas Yojana will get benefits. कि भाई जो लोग प्रधानमंत्री आवास योजना में घर नहीं बनवा पाए वो जो है अब इसमें बनवा सकते हैं अपना घर। Eligibility वही रहेंगी,
Recently, Madhya Pradesh Cabinet has approved to open how many new government college in the state? हाल ही में मध्य प्रदेश कैबिनेट ने प्रदेश में कितने नए शासकीय महाविद्यालय खोलने का निर्णय लिया? भाई महाविद्यालय खोले जाएंगे, नए नए कॉलेजेस खोले जाएंगे एमपी में, बहुत अच्छी बात है। गवर्नमेंट कॉलेजेस खोले जाएंगे, ये बहुत अच्छी बात है ना। तो भैया ध्यान रखिएगा, लगभग लगभग नरसिंहपुर, सीहोर, हरदा और श्योपुर, इन पांच जगहों पर खोले जाने वाले हैं नए कॉलेज। तो मैम पांच कॉलेज खोले जाएंगे? नहीं बेटा, छह कॉलेज खोले जाएंगे। छह कॉलेज क्यों भाई? श्योपुर में एक ही कॉलेज खुलना है, हरदा में एक ही कॉलेज खुलना है, सीहोर में एक ही कॉलेज खुलना है, नरसिंहपुर में एक ही कॉलेज खुलना है, लेकिन उमरिया में दो अलग अलग कॉलेजेस खुलने हैं, है ना। तो ध्यान रखिएगा कुल कितने कॉलेजेस, कुल छह नए कॉलेजेस जो है खुलने वाले हैं, ठीक है। बिलासपुर और भरावया दोनों जगह, उमरिया के जो दोनों जगह है, बिलासपुर और भरावया, वहां पर दोनों जगह पर जो है खोला जाएगा। तो ध्यान रखिएगा इस बात को, थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में, क्या कहना चाह रहे हैं। ये बात तो मैंने आपको बता दी पूरी। When has the first Maharishi Prasar International Light Conference been organized? पहली Maharishi Prasar अंतर्राष्ट्रीय ज्योति सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर या इंदौर? बताइए भैया फटाफट कहाँ पर किया जा रहा है इसका, है ना। तो बहुत देखो ये कुछ है ना, कुछ फैक्चुअल डिटेल्स है, कुछ चीजें है ना फैक्चुअल होती है और आपको इनको फैक्चुअली याद रखना है मेरी तरह। तो आपको क्या याद रखना है भाई, ये आयोजन कहाँ पर होने जा रहा है? भाई भोपाल में होने जा रहा है। भोपाल में हाल फिलहाल में बहुत सारी चीजें हो रही है भाई, वायुसेना का दिवस मनाया जा रहा है, उसके बारे में तो भर भर के पढ़ लेना। वैसे जब मनाया जाएगा, आज मनाया जा चुका है, 30 सितंबर है ना आज, हाँ आज मनाया जा चुका है। तो आज जो है हम इसको डिस्कस कर लेंगे, डोंट वरी, कल वाले लेक्चर में हम जो उसको पूरा डिस्कस कर लेंगे। तो भाई ये चीजें याद रखिएगा, थोड़ा सा हम इसके बारे में और डिटेल ले लेते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आपसे। द फर्स्ट Maharishi Prasar इंटरनेशनल ज्योति सम्मेलन हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड एट द सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी कैंपस भोपाल 9 सितंबर 2023। दिस कॉन्फ्रेंस हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय गवर्नर श्री मंगू भाई पटेल। किसने इनॉग्रेट किया था इसको? हमारे गवर्नर जो है श्री मंगू भाई पटेल जी, उन्होंने किया था। चलेगा अब जियो लाडली। व्हेन विल द स्टैच्यू ऑफ आचार्य शंकराचार्य जी अनवेल्ड इन ओंकारेश्वर? ओंकारेश्वर में आचार्य शंकराचार्य जी की मूर्ति का अनावरण कब किया जाएगा? भाई आचार्य शंकराचार्य जी, आचार्य शंकराचार्य जी को हम लोग भगवान शंकर का ही रूप मानते हैं, जी हाँ, है ना भाई। ध्यान रखिएगा, इन्होंने जो है हमारे पूरे इंडिया में चार मठों की स्थापना की है, है ना। चार मठ कौन कौन से भाई? जैसे आप जानते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। तो इस टाइप से इन्होंने अलग अलग जगह पर चार जो है मठों की स्थापना की, ये कहिए पीठों की स्थापना की, आप ऐसा भी इसको कह सकते हैं, है ना। उत्तर में जो है ज्योतिर्मठ है, ज्योतिर्मठ, है ना। दक्षिण में, साउथ में जो है आपका श्रृंगेरी है। श्रृंगेरी का नाम तो आपने सुना होगा, श्रृंगेरी, श्रृंगेरी और ज्योतिर्मठ, ये दोनों बहुत ज्यादा फेमस है। श्रृंगेरी और ज्योतिर्मठ जो है बहुत ज्यादा फेमस है, है ना। और आपका फिर आता है ईस्ट में, ईस्ट में आता है आपका द्वारका, है ना, और वेस्ट में आता है आपका पुरी। ये चारों मठों की जो है उन्होंने स्थापना की है। थैंक यू। नहीं नहीं, पूर्व में पुरी आता, सॉरी सॉरी, है ना, पूर्व में पुरी आता, आई एम सॉरी, पूर्व में आता है आपका पुरी और इधर आता है आपका वेस्ट में द्वारका। इन चार मठों की जो है उन्होंने स्थापना की है, है ना। उनको भगवान शंकर का रूप ही माना जाता था लगभग हमारे यहाँ, ठीक है, समथिंग एट्थ सेंचुरी के। कौन से सेंचुरी के थे ये? ये थे बेटा एट्थ सेंचुरी के। फिलोसोफर भी माना जाता है इनको, कई लोग इनको भगवान का रूप भी मानते हैं। इनका सबसे बड़ा मंदिर कहाँ है ये आपसे पूछ ले जाए तो भैया ध्यान रखिएगा, इनका सबसे बड़ा मंदिर, वैसे तो सबसे बड़ी मूर्ति इनकी कहाँ बनने जा रही है? ओंकारेश्वर में बनने जा रही है, पर इनका सबसे बड़ा मंदिर जो है जम्मू एंड कश्मीर में है, जिसे आप शंकराचार्य मंदिर कहते हैं, जिसे आप शंकराचार्य मंदिर कहते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात का। और ये कब कब अनावरण किया जाएगा, ये कब इनॉग्रेट किया जाएगा, अनवेल किया जाएगा, ये किया जाएगा 18 सितंबर को, 18 सितंबर 2023 को जो है ये अनवेल किया जाएगा, इसका अनावरण किया जाएगा। ये बातें याद रखिएगा, इनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिलसिला पूजन एक धाम इज बिंग बिल्ट ऑन द, हाँ एक ये भी ध्यान रखिएगा भैया,
एकात्म धाम इज बीइंग बिल्ट ऑन ओंकारेश्वर इन खंडवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश. ए 108 फीट हाई स्टैचू ऑफ आचार्य शंकराचार्य इज बीइंग इंस्टॉल्ड हियर. भाई एकात्म धाम भी बनेगा यहाँ पर, जहाँ पे जो है शंकराचार्य जी की मूर्ति स्टैचू जो है बनवाया जाएगा वहीं पर एकात्म धाम बनेगा. ये भी ध्यान रखिएगा भाई, धाम लोक ये बहुत बन रहा है अभी एमपी में. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Where is the largest man-made forest of Madhya Pradesh being established? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल कहां पर बनने वाला है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा है ये, इंडिया का दूसरा है. तो ध्यान रखिएगा ये बनने वाला है. इसका नाम क्या है? इसका नाम है श्री राम वन. क्या भी है इसका नाम? इसका नाम है श्री राम वन. लगभग लगभग 1.40 लाख सैपलिंग से मिला के जो है ये बनाया गया. और मैं आपको इसके बारे में बता दूं, है ना. अच्छा आपसे यदि पूछ लिया जाए इंडिया का लार्जेस्ट मैनमेड फॉरेस्ट कौन सा है, है ना, पहले चलो इसके बारे में बात कर लेते. पूरे श्रीराम वन जो है ये कहाँ पर है? ये बेटा भोपाल में, जो अपना एयरपोर्ट है ना, एयरपोर्ट के पास में जो है ये बनाया गया है. भोपाल में श्रीराम वन बनाया गया है, काफी बड़ा है. जो मैनमेड फॉरेस्ट फर्स्ट लार्जेस्ट मैनमेड फॉरेस्ट है कहाँ का? एमपी का. अब इंडिया का यदि आपसे पूछ लिया जाए तो भैया इंडिया का आपसे लार्जेस्ट मैनमेड फॉरेस्ट पूछ लिया जाए तो आप क्या बोलेंगे? नंदिनी फॉरेस्ट. कौन सा है बेटा? नंदिनी फॉरेस्ट है. और ये नंदिनी फॉरेस्ट कहां पर है मैम? तो ये है आपका छत्तीसगढ़ में. कहां पर है भैया? छत्तीसगढ़ में बनाया गया है इंडिया का सबसे बड़ा मैनमेड फॉरेस्ट, नंदिनी फॉरेस्ट है. एमपी का सबसे बड़ा कौन सा? आपका श्रीराम वन है, जो कहां बनने जा रहा है भैया? भोपाल में बनने जा रहा है. चलेगा चलेगा, देखते हैं. द लार्जेस्ट मैनमेड फॉरेस्ट बैंड is being prepared in near Raja Bhoj Airport located in Bhopal City, Madhya Pradesh. ठीक है, this will be the largest man-made forest of Madhya Pradesh. A total of 1.40 lakh thousand trees will be planted here. ये बात तो कर ली हमने. How many villages of Madhya Pradesh will be honored by the International Center for Responsible Tourism? International for Responsible Tourism 2023 से मध्य प्रदेश के कितने गांवों को सम्मानित किया जाएगा? रिस्पॉन्सिबल तो भाई एमपी में बहुत कम लोग हैं, है ना. एक मैं हूँ और एक आप है. मैं आपको पढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ और आप पढ़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन उसके अलावा भी कोई दो मैंने बोल ही दिया, कुछ गांव ऐसे हैं जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, है ना. तो आपसे पूछा जा रहा है कितने गाँव है, तो ध्यान रखिएगा केवल दो विलेज ऐसे हैं, है ना, जिनको जो है ये ऑनर दिया जाएगा, ये सम्मान दिया जाएगा. इनके बारे में मैंने आपको कल के लेक्चर में भी बताया है, है ना. कौन कौन से थे हमारे वो दोनों गांव आपको पता ही होगा, है ना. मंडला ऑफ पन्ना एंड सबरवानी ऑफ छिंदवाड़ा, ये वाली बात हमने कल करी थी. अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम द पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ऑन सेप्टेम्बर 2nd 2023 अंडर द रूरल टूरिज्म प्रोजेक्ट ऑफ द टूरिज्म बोर्ड, टू विलेजेस कौन कौन से? मंडला का पन्ना, पन्ना का मंडला और छिंदवाड़ा का सबरवानी विल बी अवार्डेड द अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन इन वेरियस कैटेगरीज बाय आईसीआरटी, इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म. आईसीआरटी के बारे में ध्यान रखिएगा, क्या है इसका फुल फॉर्म? इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म. चलो अरे भाई, यदि तुम लोगों ने सुनो यहां तक, यदि आप देखने आ चुके हो और यदि अभी तक आपने जो है वीडियो को लाइक नहीं करा है तो फिर आप घोर पापी हैं. अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो आप उससे भी ज्यादा पापी हैं, ठीक है. तो फटाक से जो है शेयर भी करो और लाइक भी करो, और यदि चैनल पर नए हो तो फटाक से सब्सक्राइब भी करो. चलेगा. When will the India and Australian ODI match be organized? भारत और ऑस्ट्रेलिया का वनडे मैच कहां पर किया जाएगा? हो चुका है. और इसमें कौन जीता था? कौन जीता था इसमें? कौन जीता था इसमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में? कितने नंबर या कितने रन से? कोई बात नहीं, है ना. तो भाई कहां पर हुआ था ये? भोपाल के, सॉरी इंदौर के हमारे देवी अहिल्या भाई होलकर स्टेडियम में हुआ था, है ना. होलकर स्टेडियम में हुआ था ये. और हम बात करें इसकी तो इसको कौन जीता था? इंडिया ने जीता था, है ना. कितने से जीता था? 99 से. अच्छा अभी हम पूछ लेंगे ना एमपी में कितने जिले हैं तो वो नहीं बता पाओगे, पर ये पता है कि इंडिया कितने रन से जीता था, ठीक है. चलेगा. मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन एमपीसी हैज बीन अवार्डेड द फिफ्थ वन डे इंटरनेशनल मैच बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया ऑन 1st October टू बी प्लेड एट होलकर स्टेडियम इंदौर. 1st October को फिर से होने वाला है क्या? दिस शैल बी अ डे नाइट मैच सेड एमपीसीए सेक्रेटरी मिलिंद कमेकर. भाई अभी 24th September को हुआ है, है ना. अब हो सकता है शायद 1st October को वापस से हो, पर 24th September को जो हुआ है उसमें तो इंडिया जीत चुका है. अभी होगा तो वापस से वो यही हो जाएगा, ठीक है. वापस से इंडिया जीत जाएगा, कोई बड़ी बात थोड़ी है उसमें.
Recently, which player of Madhya Pradesh State Boxing Academy won the gold medal in 21st International Women's Boxing Championship 2023 held in Bosnia and Herzegovina? Herzegovina. हाल ही में बोस्निया हर्जेगोविना में आयोजित 21वीं इंटरनेशनल वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में मध्य प्रदेश राज्य बॉक्सिंग अकादमी की किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? आपको पहले ही बता दूं, ये एमपी से नहीं है, ये एमपी से नहीं है, बट हमारे लिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है इन क्वेश्चंस को। क्यों भैया? क्योंकि जरूरी है पढ़ना, तो जरूरी है पढ़ना, पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा आपसे, ठीक है? इसलिए जल्दी बताओ। तो भाई ध्यान रखिएगा, कौन है ये? हमारी लवलीना। कौन है भाई? लवलीना जी हैं। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये असम से बिलोंग करती है बेटा, ये असम से बिलोंग करती है। ये असम की फर्स्ट है ना, फर्स्ट वुमेन है जिन्होंने ओलंपिक में भाग लिया है। जिन्होंने किस में भाग लिया है भैया? ओलंपिक में जो है भाग लिया है। ये कहाँ की फर्स्ट है? असम की फर्स्ट वुमेन है जिन्होंने ओलंपिक में भाग लिया है। और आपको इनके बारे में बता दूं तो इनको जो है 2020 में है ना, इनको जो है 2020 में अर्जुन अवार्ड से भी जो है सम्मानित किया गया था। कौन सा? 2020 में इनको जो है अर्जुन अवार्ड मिला था। कौन सा अवार्ड मिला था भैया? अर्जुन अवार्ड जो है इनको मिला था। और अर्जुन अवार्ड लेने वाली ये असम की जो है सिक्स्थ प्लेयर थी भाई। फीमेल में तो फर्स्ट थी, और वैसे कौन सी थी? ये सिक्स थी। ध्यान रखिएगा इनके बारे में, फर्स्ट वुमेन जिन्होंने क्या किया, असम से ओलंपिक में भाग लिया है। चलिएगा, और वैसे तो इनके बारे में बहुत सारी चीजें हैं जो कि पढ़ने लायक हैं, है ना। इन्होंने इतने मेडल्स जीत रखे, इतने इतने अच्छे अंतर्राष्ट्रीय, ये कहिए आप, स्तर पर इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया का नाम ऊंचा किया है कि भाई ये तो उनके आगे कुछ भी नहीं जितना मैंने आपको बताया है। फिर भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लेना चाहिए, ये बात हमने कर ली, ठीक है। इंडिया निखत जरीन एंड लवलीना बोरगोहेन वर क्राउंड वर्ल्ड चैंपियंस टू मेक इट 4 इंडियन गोल्ड्स एट द आईबीए वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप इन न्यू दिल्ली ऑन सैटरडे। न्यू दिल्ली में हुई थी भैया, ये भी ध्यान रख लेना। ऑन विच हैंडीक्राफ्ट्स एंड ट्राइबल आर्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश वर शोकेस्ड इन द G20 क्राफ्ट्स मार्केट एट भारत मंडपम। भारत मंडपम में जो है G20 शिल्प बाजार में मध्य प्रदेश के हस्तशिल्प और जनजाति में से किस चीज का जो है वहां पे कला प्रदर्शन किया गया था, बताइए भैया? गोंड पेंटिंग्स, महेश्वरी साड़ीज, सीधी की मैट है ना, सीधीज मैट, या फिर इन सभी का किया गया था? तो भैया देखो, सीधी सी बात है, जिसको GI टैग मिला होगा है ना, जो हाल फिलहाल में हम लोग क्या चाह रहे होंगे कि भाई ये चीज हमारे की फेमस हो, उसी चीज को जो है हम लोग सबसे ज्यादा वहां पर ये कहें कि उसका शोकास्ट करेंगे, उसको उसके बारे में बताएंगे लोगों को। तो भाई ये जो किया गया था G20 में, कौन सी थी हमारे यहाँ की गोंड पेंटिंग्स थी बेटा? कौन सी थी भाई? हमारे यहाँ की गोंड पेंटिंग्स जो है बहुत फेमस है, आपको पता है। हाल फिलहाल में इनको जो है अप्रैल में क्या मिला है? GI टैग मिला है। क्या मिला है इनको? इनको जो है GI टैग मिला है। यदि मैं आपसे बात करूं गोंड पेंटिंग्स के बारे में, GI टैग तो इनको मिला है। एमपी में भी मैम गोंड पेंटिंग्स फेमस है, और एमपी के मेनली कौन से जिले, कौन सी जगह पर? तो बेटा ध्यान रखिएगा, डिंडोरी। कहाँ की है भैया? डिंडोरी। डिंडोरी का एक जगह है पाटनगढ़ करके, यहाँ की जो है गोंड पेंटिंग्स बहुत ज्यादा फेमस है, है ना। ध्यान रखिएगा, यहाँ की गोंड पेंटिंग्स जो है बहुत ज्यादा फेमस है। चलेगा, सो भाई ये हमारे जो है क्वेश्चंस खत्म होते हैं किसके, करंट अफेयर के। अब हम चलते हैं GK GS पर। ओके, सो जाना पाओ, द ओरिजिन प्लेस ऑफ चंबल रिवर इन मध्य प्रदेश इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। मध्य प्रदेश में चंबल नदी का उद्गम स्थल जान पाओ निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? सतपुड़ा, मेकाश्रेणी, रीवा, पन्ना का पठार, मध्य उच्च प्रदेश या बुंदेलखंड का पठार। आपसे वो जो है सीधा सीधा भी पूछ लेता है कई बार, कई बार तो वो आपसे प्लेस ही पूछ लेता है कि भाई कहाँ से हुआ, बट इस बार आपसे जो है उसकी जो है जियोमेट्रिक पोजिशन पूछी गई है कि कौन से वाले एरिया में वो आता है, है ना। सतपुड़ा मैकाल रेंज में आता है, रीवा पन्ना प्लेट्यू में आता है, सेंट्रल हाईलैंड में आता है, या प्लेट्यू ऑफ बुंदेलखंड में आता है। आपको पता होगा चंबल नदी जो है वो कहाँ से निकलती है भाई? जाना पाओ के, है ना, जाना पाओ के जो है वाचू पॉइंट से निकलती है। कौन से पॉइंट से निकलती है भैया? वाचू पॉइंट से निकलती है, वाचू पॉइंट से निकलती है। और ये वाचू पॉइंट की पूछा जा रहा है कि भाई ये कौन से एरिया में आता है? चंबल रिवर का आपको पता ही है भैया, भाई खतरनाक रिवर है हमारा एक चंबल रिवर, है ना। जाकर मिल कहाँ जाती है चंबल रिवर? चंबल रिवर जाके मिल जाती है मैम यमुना में। कहाँ मिल जाती है? यमुना में। इनकी जो है सहायक नदियां कौन कौन सी, चंबल के ट्रिब्यूटरीज कौन सी? सबसे पहले तो भैया काली सिंध जी है, है ना, काली सिंध जी है, जिसके ये कहिए कि जिसके किनारे पर सारंगपुर बसा हुआ है, है ना। उसके बाद क्षिप्रा, क्षिप्रा सिंध, सिंध
है ना। ये सारी क्या है भैया, ये जो है इसकी ट्रिब्यूटरीज है, किसकी, चंबल की बड़ी ट्रिब्यूटरीज है ये, है ना। एक एक और नदी है जिसका नाम है शायद कूनू, कूनू है ना, कूनू भी जो है इसकी ट्रिब्यूटरी है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि भाई ये जो जिस एरिया से निकलती है जाना वो कौन से एरिया में आता है, तो ध्यान रखिएगा वो आता बेटा आपका सेंट्रल हाईलैंड्स में। किसमें आता है वो, आता है आपका सेंट्रल हाईलैंड्स में, मध्य उच्च प्रदेश में आता है, है ना, सेंट्रल हाईलैंड्स में आता है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉलोइंग इज द ओरिजिन पॉइंट ऑफ ताप्ति रिवर, भाई निम्न में से कौन सा जो है ताप्ति रिवर कहां से निकलती है, अमरकंटक, राजपीपला, मुल्ताई या जानापाव। जानापाव से तो नहीं निकलती है, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ताप्ती नदी की मैं बात करूं तो इसे क्या कहा जाता है भैया, इसे तापी नदी भी कहा जाता है, है ना, तापी रिवर भी कहा जाता है। तापी रिवर को जो है हमारे वेदों में भी इसका काफी महत्व रहा है, है ना। वेदों पुराणों में इसे क्या कहा गया है, इसे सूर्यपुत्री कहा गया है। क्या कहा गया भैया, इसे सूर्यपुत्री कहा गया। सूर्यपुत्री क्यों कहा गया, तो ऐसा कहा जाता है कि सूर्य, है ना, सूर्य और उनकी पत्नी, क्या नाम, छाया, है ना, सूर्य और उनकी पत्नी छाया जो है उनकी पुत्री थी ये तापी, है ना। और इनका विवाह किससे हुआ था, इनका विवाह हुआ था जो है शनि, सॉरी इनका विवाह जो हुआ था वो इंद्रदेव में से किसी से हुआ था, इतना मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, पर इनकी जो ब्रदर है वो शनिदेव है, है ना। और मैं आपको इनके बारे में बता दूं तो भाई ये जाके कहाँ गिरती है, जाके गिरती है आपके कहाँ पर भैया, अरब सागर में, अरेबियन सी में जाकर ये मिल जाती है, है ना, अरेबियन सागर में जो है जाकर ये मिल जाती है। इनका जो है फ्लो किस साइड है, इनका फ्लो है बेटा ईस्ट टू वेस्ट, है ना, ईस्ट टू वेस्ट गिरने वाली तीन बड़ी नदी कौन सी भैया, एक तो महानदी है, एक ताप्ती रिवर है और एक नर्मदा नदी है, है ना, ताप्ती रिवर है एक मेनली। यदि मैं आपसे बात करूं तो सूरत का जो पोर्ट है, है ना, सूरत का जो पोर्ट है, सूरत का जो बंदरगाह आप जिसे कहते हैं, सूरत का जो बंदरगाह है वो इसके मुहाने पर ही है। सूरत का जो बंदरगाह है वो कहाँ है भैया, ताप्ती नदी के मुहाने पर ही है। और ताप्ती नदी के किनारे भैया बहुत सारे हमारी जगह और बहुत सारी जगह है, कौन कौन सी, जैसे मैंने कहा ताप्ती रिवर के किनारे पर जो है नेपानगर है, है ना, नेपानगर है भैया, बुरहानपुर है, बुरहानपुर है, बैतुल, बैतुल का कह सकते हैं आप, और बैतुल का ही साथ में जो है मुल्ताई, मुल्ताई से निकलती है बेटा ये, कहां से निकलती है आप जानते हैं, बैतुल में जो है मुल्ताई की पहाड़ियों से जो है ये निकलती है, कौन से रिवर, आपकी ताप्ती रिवर। चलेगा आगे चले बेटा, चलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हॉटेस्ट प्लेस इन मध्य प्रदेश ड्यूरिंग समर, ग्रीष्मकाल में मध्य प्रदेश का सर्वाधिक गर्म स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है, सतना, नीमच, जबलपुर या ग्वालियर। आपको पता होगा हमारे यहाँ दो राजधानियां हुआ करती थी, ग्रीष्मकालीन अलग होती थी, शीतकालीन अलग होती थी, याद आया आपको कुछ, है ना। तो ग्रीष्मकालीन बहुत ज्यादा गर्मी होगी, है ना, तो भाई वहां पर तो हम रहेंगे नहीं, हम कहाँ चले जाएंगे, ठंडी जगह पर चले जाएंगे, तो हम इधर चले जाते पचौड़ी साइड, है ना। उसके बाद जो है हम जब बहुत ज्यादा ठंड होगी तो हम ठंडी जगह पर रुकेंगे नहीं, हम कहाँ चले जाएंगे, गर्म जगह, और गर्म जगह में कहाँ जाते थे, ग्वालियर, याद आया आपको। तो जी हाँ, सबसे जो है गर्म जगह कहाँ है हमारे यहाँ, ग्वालियर, सबसे गर्म स्थान कहाँ पर रहता है, ग्वालियर में रहता है। चलेगा आगे चलते हैं। Which of the following is the coldest place in Madhya Pradesh during winter? शीतकाल में मध्य प्रदेश का सर्वाधिक ठंडा स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? मंदसौर भाई साहब हो ही नहीं सकते, खतरनाक गर्मी पड़ती है, राजस्थान के बॉर्डर पे पड़ता है, तो आप समझ लीजिए कितनी गर्मी यहाँ पर पड़ती होगी। जबलपुर में भी भले हमने माना नर्मदा नदी जी खूब ठंडक है, लेकिन फिर भी वहां पर जो है इतना ठंडा ये यहाँ पर नहीं है ना। ग्वालियर तो अभी गर्मी में आ गया, तो भाई कौन सा एरिया है, पचमढ़ी, पचमढ़ी आप जानते हैं हिल स्टेशन है हमारे यहाँ का, है ना। चलेगा पचमढ़ी में आप ठंड में जाओ, पचमढ़ी में ठंड में जाओ, है ना, और धूपगढ़ की चोटी पे वहां पर ना इतने बड़े बड़े पानी पूरियां मिलती हैं, बहुत टेस्टी पानी पूरी वो मिलती है, और मैगी खाओ वहां पर, और जो है सनराइज और सनसेट देखो, आपको जीवन का मजा आ जाएगा बस कसम से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज फेमस फॉर खरमोर, खरमोर पक्षी के लिए विख्यात मध्य प्रदेश का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, माधव, कान्हा, सैलाना या बांधवगढ़। वैसे ये राष्ट्रीय उद्यान अभी तक नेशनल पार्क पूरी तरह बना नहीं है, अभी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, अभी हम इसको ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान वाली श्रेणी में नहीं लेते, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाली श्रेणी में लेते हैं ना। तो भाई माधव नहीं है खरमोर के लिए फेमस, कान्हा नहीं है, ये तो आपको पता है कि मैम टाइगर्स के लिए, बांधवगढ़ भी जो है टाइगर्स के लिए है, तो कौन सा भाई, सैलाना, है ना, सैलाना जो है खरमोर पक्षी के संरक्षण के लिए सबसे फेमस है, और ये कहाँ पर है, तो मैम ये है रतलाम में, कहाँ पर है भैया, ये है आपका रतलाम में, हाँ की ना। चलो आगे चलते हैं। Who was the chairman of the State Recognition Commission? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सबसे पहली बात, राज्य पुनर्गठन आयोग बना कब था, हमको ये पता करना जरूरी है, हाँ कि ना, है ना।
तो भाई राज्यों को जो है भाषा आधार पर बनाने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था। कब बनाया गया था? 22nd of December, है ना, 22nd of December 1953 को, 1953 को जो है बनाया गया था। इस ये जो आयोग बनाया गया था, जो कमीशन बनाया गया था, इस कमीशन में जो है पूरे तीन लोग थे। इस कमीशन में तीन लोग कौन थे? एक तो थे हमारे डॉक्टर फजल अली जी थे, एक जो है हमारे के एम पणिक्कर जी थे, और एक हमारे हृदयनाथ कुंजरू जी थे। जी हाँ, ये तीनों थे उसमें, और इन तीनों में से कोई एक था जो उसका हेड था, चेयरपर्सन था। तो इसका हेड पर्सन कौन था? तो भाई ध्यान रखिएगा, डॉक्टर फजल अली जी, है ना, जो डॉक्टर फजल अली जी जो है इसके अध्यक्ष थे। बाकी यदि पंडित हृदयनाथ कुंजरू जो थे और के एम पणिक्कर जी जो थे, ये दोनों उसके क्या थे? ये दोनों उसके ये कहिए सदस्य थे, मेंबर थे ये उसके, है ना, वो नहीं थे, ये मेंबर थे उसके। चलेगा आगे, चलो भैया हम फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज, निम्नलिखित में से जो है किस वृक्ष से गौन प्राप्त होता है? बबूल, है ना, छापड़ा, खैर या टीक, बताइए। सागौन जिसे आप कहते हो, एकेसिया, छाबड़ा, सैंगेलिया, सौभाग्य केचू और या टीक। तो भाई ध्यान रखना, यहाँ पर दो हम देख रहे थे, यहाँ पर दो ऐसे जिनसे जो है आने वाला है, इसके प्राप्त होते हैं। बबूल से भी गोल प्राप्त होता है और खैर से भी प्राप्त होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा खैर से ज्यादा प्राप्त होता है। बबूल से थोड़ा बहुत हम जो है प्रोडक्शन नहीं कर सकते, लेकिन खैर से जो है सबसे ज्यादा प्राप्त होता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। गोंद तो आप सब समझते ही है भैया। In which of the following industry tendu leaves is most prevalent in Madhya Pradesh? Madhya Pradesh में तेंदु पत्ता सर्वाधिक निम्नलिखित में से किस उद्योग में प्रयुक्त होता है? भाई ये हमारे यहाँ का जो आप कहते हैं ना लघु उद्योग, कुटीर उद्योग जिसे आप कहते हैं ना, घर में जो आप बोलते हैं ना, घर में जो लोग क्या खोल लेते हैं, फैक्ट्री खोल लेते हैं बनाने के लिए, उसमें जो है तेंदु पत्ता बहुत ज्यादा महत्व रखता है। तेंदु पत्ते से क्या बनाया जाता है? तो भैया ये बीड़ी इंडस्ट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन सी इंडस्ट्री के लिए? बीड़ी। आप सबने बीड़ी पी होगी, बीड़ी पी नहीं होगी तो एटलीस्ट बीड़ी देखी तो होगी, है ना। क्या होता है भैया, पत्ते को रख के, जिस पत्ते पर रख के तंबाकू को भर के और वो ऐसे ऐसे किया जाता है ना, उसको उसको रोल करके और उसके ऊपर क्या उससे आप समझ गए, धागे से उसको बांध दिया जाता है, तो वो जो पत्ता होता है वो तेंदु पत्ता ही होता है ना, उसको तेंदु पत्ता ही कहते हैं, जिसको आप करते रहे, देखा होगा आपने, बूढ़े लोगों को देखा होगा हमारे, है ना। तो बीड़ी उद्योग में जो है ये सबसे ज्यादा फेमस है। चलेगा आगे चलते हैं, सॉरी, विच नेशनल पार्क वाज द फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड इन मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में जो है सबसे पहले कौन सा नेशनल पार्क, कौन सा राष्ट्र उद्यान जो है सबसे पहले स्थापित किया गया था? तो ध्यान रखिएगा भाई, आपको इस बारे में तो मैंने पहले बताया हुआ है ना, माधव जो है सेकंड पे था, और संजय और बांधवगढ़ तो बाद में आए हैं, लेकिन सबसे फर्स्ट पे कौन था हमारा? कान्हा किसली। कौन सा वाला था भैया हमारा? कान्हा किसली वाला था, है ना। कब हुआ था भाई ये, कब बना था नेशनल पार्क? ये नेशनल पार्क बन गया था आपका 1 जून को, है ना, 1 जून 1955 को ही ये बन गया था, 1 जून 1955 को ये बन गया था। बाद में 1973 में ये क्या बन गया था भैया? टाइगर रिजर्व, आपको पता है ना, टाइगर के लिए जो है ये फेमस हो गया था। उसके बाद आपसे पूछ लिया जाए मैम कहाँ कहाँ पर है ये कान्हा किसली, तो कान्हा किसली जो है दो जिलों में है। कौन कौन सा? एक तो बालाघाट में है ना, एक तो कौन सा भैया? बालाघाट में है, और दूसरा कहाँ है भैया? मंडला में, दोनों में है ये। चलेगा इसके साथ चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नॉट सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर नर्मदा? निम्नलिखित में से कौन सा नगर नर्मदा नदी के किनारे नहीं बसा है, है ना। तो भैया यदि आप इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो फिर तो हमें उसी नदी के पानी में जो है थोड़ा सा डूब के मर जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी अभी मैं आपको शायद 14 या 15 क्वेश्चन में इसके बारे में बता के आई हूँ, है ना। आपको पता होगा नर्मदा नदी के किनारे होशंगाबाद तो है ही है, नाम ही उसका क्या कर दिया हमने, नर्मदापुरम कर दिया है, ठीक है। आपको पता है भाई यही उधर जबलपुर से फिर वहां से जो है नर्मदा नदी जी निकल जाएंगी। मंडला जो है ये भी किस पे? नर्मदा नदी पे। नरसिंहपुर भी नर्मदा नदी पे, लेकिन केवल एक बुरहानपुर ऐसा है जो नर्मदा नदी पर नहीं है। तो फिर मैम ये कहाँ है? अभी अभी हम बात करके आए भाई, ताप्ती रिवर, है ना, ताप्ती रिवर पे है भैया। ताप्ती रिवर पे कौन कौन? नेपानगर, बुरहानपुर, मुल्ताई, है ना, सूरत का बंदरगाह, ये सब कहाँ? ये सब ताप्ती रिवर पे, तो बुरहानपुर इज वन ऑफ देम, ठीक है। ये चीज तो आपको ऐसे ही पता हो जानी चाहिए। चलिएगा
तो इसी के साथ जो आज का लेक्चर हमारा खत्म होता है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आज के 20 क्वेश्चन आप लोगों ने मेरे साथ मिलकर जो है कंप्लीट कर लिए हैं. आपको इन क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए तो फटाफट से अपडेट जाइए सिविल पांडा के जो है टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए, वहां पर जो है आपको मिल जाएगा. और फिर पढ़ने के बाद ऐसे ऐसे आप भी ताली बजा सकते हैं हमारे साथ में मिलकर. पेन और पेपर लेके आप बैठोगे, आपने सारे नोट्स बनाए तो बहुत अच्छी बात है. बाद में यदि आप देख रहे हैं चैनल पर नए तो फटाफट जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो है इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि आपका जो करंटली अफेयर चल रहा है वो भी करंट अफेयर को पढ़ सके. वापस से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच. जय हिंद.